हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शूट फोटोग्राफी। तो पिछले वीडियो में हम मूव टूल के बारे में बात किए थे, तो आज बात करेंगे रोटेट टूल। तो चलिए पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, ब्लेंडर। तो ब्लेंडर डाउनलोड करने के आपको मालूम है, गूगल में जाके सीधा ब्लेंडर ऐप करके सर्च कीजिए, blender.exe फाइल तो आ जाएगा। फिर कैसे डाउनलोड करना है उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिए। तो आज बात करेंगे रोटेट टूल के बारे में। पिछला वीडियो मूव टूल के बारे में हो गया, आज रोटेट टूल। तो साइड क्लिक कर लिया, ये चला गया। अभी नेक्स्ट आता है रोटेट, ये आ गया रोटेट, इसका शॉर्टकट है आर। अभी ये जो तीन चीज़ें आपको मालूम है, ये क्या है, पिछले वीडियो में बोले थे, एक कैमरा है, एक लाइट है और एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी बोल सकते हैं। आपको मान लीजिए या कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। इधर जगह मिस में जाके आप सिलेंडर मान लीजिए, सिलेंडर आ गया, मैं जी दबाया, इधर साइड में ले लिया, मैं उसका लेफ्ट क्लिक किया, उसका उधर रुक गया, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे ओनली फॉर रोटेट टूल, रोटेट कैसे करना है। तो अब जितना भी ये देखिए, इधर जो इंटरफेस है, अब जितना भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी ऐड करेंगे तो इधर आता रहेगा, ठीक है। ये बटन आपका आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको हम रोटेट कैसे करना है, ठीक है। साइड में क्लिक कीजिए, कोई भी सिलेक्ट नहीं है, मान लीजिए कुछ सिलेक्ट करना है, ये इधर से भी कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, या दो चीज़ सिलेक्शन करना है आपको, ऐसे आप दो चीज़ सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, या सब सिलेक्ट करना, पूरा सब ऑल टोटल सिलेक्ट करना है, सबको डिलीट करना है, डायरेक्टली डिलीट बटन दबे सब चला जाएगा, वापस आना है, कल्ड प्लस जेड दबाइए वापस आ गया, ठीक है। या फिर आपको दो चीज़ सिलेक्ट करना है, बस दो चीज़, तीन चीज़ होगा, सॉरी ये दो। ये क्यों हो रहा है, ये वाला भी सिलेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो लाल ब्लैक एक लाइन दिख रहा है ना, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए। अभी मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, जी दबाया, इधर लेके गया, ठीक है, छोड़ दिया क्लिक। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये इन दोनों को देखिए आउटर में एक ऑरेंज कलर का लाइन आ गया, ओके। तो इतने तो समझ ही गए होंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको वापस सिलेक्ट करके जी दबाया, इधर लेके गया, ओके। अब इधर जो एक्सेस है, ये देखिए, इसको मैं अगर घुमाऊंगा, ये देखिए, ठीक है, ये जो लाइन है, ये हुआ टॉप, टॉप व्यू, जेड बराबर टॉप, टॉप एंगल हो गया, ठीक है, ये एक्स 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 एंगल हो गया, माइनस एक्स हो गया, ये मतलब इधर से आप पूरा फुल आप अपना सब कुछ आप देख सकते, कर सकते, ओके, ठीक है। ये आ गया, ये उल्टा हो गया, ये हो गया सीधा, ठीक है, नहीं 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 ये हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, पर ये मुझे थोड़ा सा, ये अब ऊपर हो गया, ठीक है, ये अब ऊपर हो गया, जी दबाया मूव टूल पुराना, ठीक है। चलो अभी यहाँ से रोटेट, रोटेट मतलब इधर आप सिलेक्ट भी कर सकते, इसको सिलेक्ट किया ये रोटेट आ गया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया ये रोटेट आ गया, इसको सिलेक्ट, ये रोटेट होगा, इसको सिलेक्ट तो ये रोटेट होगा, जो चीज़ आप ये दबाने, इसको अगर सिलेक्ट, ये नहीं भी सिलेक्ट किया हो ना आपको, मान सिलेक्शन टूल आपको डायरेक्टली रोटेट करना है, शॉर्टकट की आर, इसको सिलेक्ट है तो आर दबाइए, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए रोटेट हो रहा है, किधर भी होगा, इधर उधर किधर किधर भी होगा, पर आपको अगर एक ओनली वन एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे करना है, मान ले एक्स एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ इतना आराम से ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये रोटेट हो, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स वापस दबाया ये चला गया। अभी आप किधर भी होगा, ये देखिए अभी ये किधर भी होगा, किधर भी है ये, किधर भी एंगल से ये होगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किधर भी होगा। अभी मान लो एक्स वाई, वाई एक्सिस पे, अभी सिर्फ ये वाई एक्सिस पे, एक मिनट, अरे मेरा माउस, सॉरी रोटेट रोटेट करो, बस इतना इतना दूरी, देखिए ये जो लेंथ है ना, जितना लंबा करेंगे उतना दिक्कत होगा, थोड़ा जितना नज़दीक रहेगा उतना आसान रहेगा। अभी वाई एक्सिस, वाई के लिए सिलेक्ट किया, ये देखिए सिर्फ वाई एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। क्लिक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, हाँ ठीक है, वो नीचे है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मान लो वापस आर दबाया, वो सिलेक्ट हो गया, अभी जेड एक्सिस पे वो रोटेट होगा, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही है इस वीडियो में, ओके।
क्योंकि ज़्यादा ये बहुत लोगों को दिक्कत क्या है, बहुत लोगों को बहुत ये डिफ़िकल्ट लगता है ये सब चीज़। पर मैं बोलूँगा कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सीखिए बड़े बड़े, पहले छोटे से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट जितना वर्क स्पेस जितना बड़ा करेंगे उतना ही आपको आसान आसान होगा। ठीक है, हर चीज़ आप रोटेट मूव कौन सा भी एंगल से, वाई एंगल चाहिए, जेड एंगल चाहिए या एक्स एंगल चाहिए, ये अभी अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकता है। ये जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे बहुत बहुत काम करना है आपको, बहुत जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको दो तीन नहीं देखिए माउस का कर्सर जूम इन आउट बहुत कुछ है इसका। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही। ओके, मैं जूम कर रहा हूँ, ये हो गया अपना जी ऊपर आ, हाँ ऊपर आया, ऊपर रखा, ये भी जी ऊपर आ, हाँ ऊपर रखा। ठीक है, ये देखिए एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ना थोड़ा आराम से अरे पकड़, हाँ ये लगभग हाँ ये जो है ये पूरा एकदम सरफेस के बराबर है। अभी नीचे करूँगा ये देखिए दागा, अभी ये अगर ऊपर चला गया सब कुछ। ठीक है, देख रहे दिखाई दे रहे, समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर है। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही, तो बाकी तो आप समझदार है, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप अपना प्रोजेक्ट जारी रखें।